नागपुर जिले के रामटेक लोकसभा चुनाव क्षेत्र में कुल 20 लाख से अधिक मतदाताओं के द्वारा 2405 पोलिंग बूथों पर 19 अप्रैल को मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह जानकारी रामटेक एसडीओ वंदना स्वरंगपते के द्वारा पत्रकार परिषद के माध्यम से दी गई है, जिसमें 75 सवाल से अधिक मतदान का लक्ष्य रखा गया है। रामटेक लोकसभा क्षेत्र एससी प्रवर्ग के लिए आरक्षित है तथा 6 विधानसभा क्षेत्र इसमें शामिल है। 85 उम्र से अधिक आयु वाले मतदाताओं को घर बैठे मतदान करने की सुविधा चुनाव आयोग के द्वारा प्रदान की गई है, जिसमें रामटेक विधानसभा अंतर्गत कुल 356 बूथों पर 2,74,816 मतदाता एवं 2,000 चुनाव कर्मचारी एवं अधिकारी इस चुनावी प्रक्रिया में सहभाग लेंगे। इलेक्शन अभी डिक्लेयर हो गए हैं कल 16 मार्च को, और कल से ही जो आदर्श आचार संहिता है वो भी पूरे लोकसभा क्षेत्र में और पूरे देश में लागू हो गई है। रामटेक जो विधानसभा क्षेत्र है, इस विधानसभा क्षेत्र में 356 बूथ है और एक ऑक्सिलरी बूथ तैयार किया गया है, और रामटेक लोकसभा अपने विधानसभा क्षेत्र में टोटल जो है 2,74,820 मतदाता है, उसमें 1,39,144 पुरुष मतदाता है और 1,35,672 स्त्री मतदाता है। 4 जो वोटर है वो ट्रांसजेंडर है, ऐसे टोटल 2,74,820 मतदाता है। आचार संहिता कल से लागू हो गई है और जो सारे फ्लाइंग स्क्वाड वगैरह है वो एक्टिवेट हो गए हैं। इस बार के जो इलेक्शन में कुछ नई बातें या नई तरतूदें लागू हुई है, उसमें से एक तरतूद ऐसी है कि जो 85 प्लस एज वाले वोटर्स हैं या फिर जो दिव्यांग मतदाता है, उनके लिए फॉर्म 12D जो आयोग ने प्रिस्क्राइब किया है, इस फॉर्म को भर के वो अगर वो चल फिर नहीं सकते या अगर वो मतदान केंद्र पे नहीं जा सकते हैं किसी कारणवश, तो वो फॉर्म डी 12D भर के हमको दे सकते हैं और हमारा पथक जाके उनके घर पे मतदान करेगा। महाराष्ट्र टीवी 24 न्यूज के लिए अजय मेहरकुले, रामटेक।